केबीसी में जीतने वाले लोगों को पैसे कौन देता है? क्यों ये बंदा 4 लाख के सोने के ब्लेड से लोगों की दाढ़ी साफ करता है? एक ऐसा पक्षी जो कि अपने ही जंगल में आग लगा देता है, लेकिन क्यों? और ट्रेन अपने ट्रैक रात में कैसे चेंज करती है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, आपको आईफोन की ये बात पता नहीं होगी कि अगर आप आईफोन से किसी दूसरे आईफोन यूजर को फ्यू टेक्स्ट टाइप करके भेजोगे तो उसके टेक्स्ट में लेजर निकलने लगेगी, क्योंकि फ्यू साउंड इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है और ये सिर्फ फ्यू टेक्स्ट के साथ ही होता है। नंबर 19, चाइना में नंबर 8 को बहुत ही ज्यादा लक्की माना जाता है। वहाँ एक आदमी ने 8 नंबर की कार प्लेट लेने के लिए 14,80,000 रुपए खर्च कर दिए, बस एक नंबर प्लेट के लिए, क्योंकि उसका मानना था कि इससे उसकी किस्मत बदल जाएगी और वह माला माल हो जाएगा। हंसी की बात तो ये है कि उसकी कार ही बस 5 लाख की है। नंबर 18, कुछ दिन पहले फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप कम्प्लीटली शट डाउन हो गया था कम से कम 7 घंटों के लिए। इतनी देर बंद रहने की वजह से मार्क जुकरबर्ग को करीब 52,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, इसीलिए उन्होंने सबसे माफी भी मांगी थी क्योंकि कई लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। नंबर 17, फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में लोगों को लगता है कि इसमें फ्लिपकार्ट का बहुत नुकसान होता होगा क्योंकि वो प्राइस बहुत ही ज्यादा कम कर देते हैं, लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि फ्लिपकार्ट सबसे ज्यादा बिग बिलियन डेज में ही कमाती है। अंदाजे के लिए नॉर्मल दिनों में फ्लिपकार्ट 100 आईफोन बेचता है, लेकिन इन बिग बिलियन डेज में फ्लिपकार्ट हर मिनट 70 आईफोन्स बेचता है, यानी कि एक दिन में 2 लाख यूनिट से ज्यादा के आईफोन्स। नंबर 16, आपने एलपीजी गैस की स्मेल सूंघी होगी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये गैस की ही स्मेल है, लेकिन ये बात सच नहीं है क्योंकि एलपीजी जो गैस होती है वो स्मेललेस होती है, यानी कि उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती। जब फैक्ट्री में गैस बनाया जाता है तब उसमें जानबूझ के एक केमिकल डाला जाता है स्मेल के लिए, ताकि लीक होने पर तुरंत पता लग जाए। नंबर 15, दुनिया के हर एक कोने में चर्च होते ही हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा चर्च पोलैंड में मौजूद हैं। यहाँ हर 50 कदम पे एक चर्च है। ये फोटो देखो, ये मैप है पोलैंड का जिसमें चर्च का फिल्टर लगाया गया है। अगर ऐसे में यहाँ के लोग सबसे नजदीक वाला चर्च सर्च करेंगे तो गूगल पागल हो जाएगा। नंबर 14, रोड पे बहुत नॉइस पॉल्यूशन होता है और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए नितिन गडकरी जी ने, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने एक कानून निकालने का सोचा है जिसके चलते सब लोग अपनी गाड़ी का हॉर्न किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साउंड से रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि गिटार, पियानो, ऐसे टाइप का, ताकि नॉइज पोल्यूशन कम हो। इसका साउंड बहुत ज्यादा लाउड नहीं होगा। मुंबई में अगर ये सिस्टम आता तो ट्रैफिक में 1-2 सॉन्ग आराम से बन जाएंगे। नंबर 13, एक ऐसा पक्षी है जो कि अपने ही जंगल में आग लगा देता है। यह पक्षी का नाम है फायर हॉक और ये ऐसा खाने के लिए करता है। बाकी पक्षी की तरह ये खाने की तलाश में नहीं जाता, बल्कि छोटी सी सूखी लकड़ी ढूंढता है जिसमें ये आग लगा सके और उसमें कई अलग अलग तरीके से आग लगाने की कोशिश करता है। और एक बार आग लगने के बाद ये पक्षी उस लकड़ी को जंगल में जाके छोड़ देता है, जिससे जंगल में आग लग जाती है और फिर ये जंगल के बाहर उड़ते हैं। जैसे ही कोई शिकार बाहर आता है तो ये उसे दबोच लेता है। नंबर 12, साल 2018 में एक आदमी ने अपने घर पर तोता पाला था, लेकिन फिर तोते की वजह से उसे अपने घर से एलेक्सा स्पीकर को हटाना पड़ा, क्योंकि पैरट आने के 5 महीने बाद उसके घर पर रोज कुछ न कुछ अजीब चीजें डिलीवर हो जाती थी जो उसने कभी ऑर्डर भी नहीं किया होता था, और उसमें खास कर खाने की चीजें होती थी। फिर एक बार जब वो अपना सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहा था तब उसने देखा कि उसका जो तोता था उसका पिंजरा एलेक्सा स्पीकर के बहुत पास था और सारा जो सामान था वो पैरट ही गलती से रैंडमली ऑर्डर कर देता था। नंबर 11, आपको जो ये लेंस दिख रहा है ये कोई आम लेंस नहीं है। इसमें 3.2 बिलियन पिक्सल्स हैं जो सबसे बड़ा सिंगल पिक्चर लेता है। ये जो इमेज है उसे देखने के लिए 400 अल्ट्रा HD 8K टीवी चाहिए होता है, बस एक बार देखने के लिए, जिसके बाद वो टीवी भी सपोर्ट छोड़ देता है और इसकी एक इमेज कई हजारों टीवी में होती है। नंबर 10, आम जिंदगी में लोग नॉर्मल ब्लेड से बाल काटते हैं, लेकिन मेंटोस जिंदगी में नहीं। पुणे में एक सैलून ओनर है जो 8 तोला सोने से बना गोल्ड का रेजर इस्तेमाल करते हैं बाल काटने के लिए, ताकि ज्यादा लोग इनके सैलून की तरफ अट्रैक्ट हो। और बस ब्लेड ही नहीं, ये सोने के सीजर्स भी यूज करते हैं बाल काटने के लिए। दरअसल इनका बिजनेस कोविड की वजह से बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया था, तभी उन्होंने अट्रैक्शन के लिए ये सोने का ब्लेड बना दिया, ताकि लोग इनके दुकान की तरफ अट्रैक्ट हो। नंबर 9, एक सर्वे के हिसाब से जो लोग सितंबर से नवंबर के बीच पैदा हुए होते हैं उनको 100 साल से ज्यादा जीने का 40% ज्यादा चांस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज तक जितने भी लोग 100 साल से ज्यादा जिए हैं उनमें से 85% लोग सितंबर से नवंबर के बीच में ही पैदा हुए थे और उनमें से बस 1% लोग ही मार्च
में पैदा हुए थे। नंबर 8, क्या आप ये जानते हैं कि अर्जेंटीना के जो एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी बिटकॉइन में देने का सोचा जा रहा है, और अगर ये हुआ तो वहाँ के लोग बिटकॉइन में सैलरीज लेंगे, तो अब आप यहाँ बिटकॉइन का डिमांड देख ही सकते हो। क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? अगर हाँ तो आज हम आपके लिए लाए हैं कॉइन स्विच कुबेर ऐप, जिसके जरिए आप 75 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो और 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और इस ऐप का यूजर इंटरफेस ऑनलाइन फूड को ऑर्डर करना या कैब्स को बुक करने जितना आसान है। यहाँ पर आप सुपर फास्ट KYC कर सकते हो और इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉ भी कर सकते हो। पिछले 14 महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ रजिस्टर किया है। और आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी जानना है तो इनके यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो, और अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करने पर आपको 50 रुपीज का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिलेगा, तो ट्रेड करो बेफिक्र। और अब तो रणवीर सिंह इज द फेस ऑफ कॉइन स्विच, तो कुछ तो बदलेगा। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से कॉइन स्विच ऐप को डाउनलोड करो। लेकिन हाँ, क्रिप्टो करेंसी में सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना, मार्केट को स्टडी करने के बाद ही। नंबर 7, ऑस्ट्रिया की एक कंपनी ने स्मार्ट शूज बनाए हैं। ये शूज सेंसर पर चलते हैं, यानी कि ये अंधे लोगों के लिए बनाए गए हैं। जो लोग देख नहीं सकते वो लोग इन सेंसर की मदद से अपने रास्तों को नेविगेट कर सकते हैं। ये शूज अभी भी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये इसमें ईयरफोन्स भी ऐड करना चाहते हैं, जो कि अंधे लोग पहन सकते हैं और अपने रास्ते को और भी अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं। नंबर 6, अब जरा एक बार इस इमेज को देखो। इस इमेज में ऐसा लगता है जैसे कि पीछे वाला आइलैंड हवा में उड़ रहा हो, पर एक्चुअली में ये रात में ही ऐसा दिखता है। अंधेरा होने की वजह से मलेशिया के इस आइलैंड पर ऑप्टिकल इल्यूजन बन जाता है, जो हमें ऐसा दिखाता है जैसे कि ये हवा में हो। नंबर 5, देखो इस खूबसूरत सिंक को। ये है एक आम सिंक और काम भी किसी आम सिंक की तरह करता है, लेकिन बेसिक आर्टिस्टिक टच की वजह से इसका पूरा लुक बहुत कमाल का दिखता है। नंबर 4, आप एक बार इस इमेज को देखो। इसे देखने से लगता है कि इस फोटो को एडिट करके ब्लैक एंड व्हाइट किया गया होगा, पर असल में ये पूरा कलर फोटो है। ये आइसलैंड देश की फोटो है, पर ये किसी और प्लेनेट का ही लगता है। नंबर 3, आपने कई बार सुना होगा कि खड़े खड़े पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है, पर क्या ये सच है? तो हाँ, खड़े खड़े पानी पीने से हमारे शरीर का केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होता है। नंबर 2, अगर आपने ट्रेन में सफर किया है तो देखा होगा कि कई बार ट्रेन पटरी चेंज करती है, लेकिन ट्रेन आखिर पटरी कैसे चेंज करती है? सबसे पहली बार ट्रेन की पटरी स्विच करने में ट्रेन चलाने वाले का कोई भी हाथ नहीं होता, क्योंकि ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होता। ट्रेन के टायर अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, जो कि पटरी को पकड़ के रखते हैं, और जहां ट्रेन की पटरी चेंज होती है वहां पर एक मैकेनिकल सिस्टम लगाया होता है, जो कि ट्रेन की पटरी को ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है। ट्रेन जब एक स्टेशन से निकलती है तो उस स्टेशन से अगले स्टेशन को मैसेज जाता है, और दोनों स्टेशन के बीच में एक सिग्नल लगा होता है, और जब ट्रेन सिग्नल क्रॉस करती है तो फिर मैसेज अगले स्टेशन वालों के पास जाता है कि ट्रेन आ रही है। फिर वो मशीन के स्विच को चेंज कर देते हैं ताकि ट्रेन पटरी चेंज कर पाए। नंबर 1, KBC में जीतने वाले लोगों को पैसे कौन देता है? KBC में हर रोज लोग लाखों रुपए जीतते हैं, तो आखिर पैसे कौन देता है? और क्या आपको पता है उनको 1 करोड़ में से 1 करोड़ मिलते ही नहीं। दरअसल KBC में जीतने वाले लोगों को पैसे Sony TV पर आने वाले एड्स और स्पॉन्सरशिप से जो कमाई होती है उसमें से दिए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो भी आदमी 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लॉटरी में जीतता है या फिर किसी टाइप के शो में जीतता है, तो उसे उसका 30% गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और बस इतना ही नहीं, फिर 30% में से 4% वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, यानी कि 1 करोड़ में से 30,20,000 रुपए गवर्नमेंट को चले जाते हैं, और KBC विनर को 68,80,000 रुपीज मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।